हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा का एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट ए एंड बी बी द 2x2 मैट्रिक्स, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें बताना है कि इनमें से माय स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है। तो बेसिकली मेरे को इस जो ये क्वेश्चन है इसके दो मेथड पता है। अगर आपको कोई और मेथड पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है जी। तो देखिए, हमें बेसिकली पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी है और साथ में उसका एडिशन करना है हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी के साथ। हमसे जो तीन ऑप्शन है, फर्स्ट थर्ड ऑप्शन है, उनमें इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें क्या, ए और बी हमारे पास 2x2 की कोई भी एनी मैट्रिक्स है, तो मैं यहाँ पे चूज करता हूँ बी मैट्रिक्स में चूज करता हूँ 0। तो हम तो यहाँ पे मैं बी मैट्रिक्स को चूज करता हूँ 0, ठीक है जी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई एग्जांपल लेंगे, वो एग्जांपल है जो हमारे तीन ऑप्शन है उनको डिस्कार्ड कर देंगे, तो हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर मैं बी को 0 मैट्रिक्स चूज करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है जी। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 0 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 times ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है जी। तो देखिए, अगर मैं बी मैट्रिक्स को 0 चूज करता हूँ, तो मैंने बी मैट्रिक्स को 0 चूज किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 times ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमारे पास जो ये ऑप्शन ट्रू हो सकता है, हमारे पास ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो हमारा ये ऑप्शन तो कभी ट्रू हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा हमारा गलत। अगेन मैं चूज करता हूँ ए को 0 मैट्रिक्स, अगर मैं ए को 0 मैट्रिक्स चूज करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे, अगर हम यहाँ से देखें, तो अगर मैं ए को 0 मैट्रिक्स चूज करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस बी, ठीक है जी। तो ये हमारा हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1 की पावर 2, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे माइनस है, तो अगर माइनस को हम कॉमन निकाल लें तो हमारे पास उतनी पावर हो जाती है जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी, दैट इम्प्लाई अगर यहाँ से हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा 2 times ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है जी। यानी अगर हम ए को 0 मैट्रिक्स चूज करते हैं तो इन दोनों का एडिशन भी हमारे पास क्या आ रहा है, 2 times ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, देखिए अगर हम ए को 0 मैट्रिक्स चूज करते हैं, अगर मैं यहाँ से ए को 0 मैट्रिक्स चूज करता हूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ रहा है कि -2 times ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी, लेकिन यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, ये तो पॉजिटिव आ रहा है लेकिन ये तो नेगेटिव, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। सेम अगर यहाँ से देखें हम, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट मेथड तो ये था हमारा। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, अगर हम कोई भी 2 मैट्रिक्स चूज कर लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास ए कोई भी मैट्रिक्स है, वो मैंने मान ली A11, A12, A21, A22, एंड मैंने बी मैट्रिक्स को माना B11, B12, B21 और साथ में B22, ठीक है जी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी और साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी का एडिशन। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स है उनको ऐड कर देंगे हम, ठीक है जी। और साथ में हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, अगर उन दोनों को ऐड करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये आएगा 2 times ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस में 2 times ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी। जो हमारे पास ये मेथड है, इससे भी आप क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन को डिस्कस कर सकते थे, लेकिन हमें पेपर में क्या करना है, हमें इजी मेथड से डिस्कस करना है ताकि हमारा कम से कम टाइम में क्वेश्चन हम ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। हमारे पास बेस्ट मेथड है ना, वो हमारे पास क्या है, इलिमिनेशन मेथड है। हम कोई एग्जांपल लेंगे जो जिससे हमारे क्या है, बाकी सारे जो ऑप्शन है वो डिस्कार्ड हो रहे हैं, तो हमारा एक ही ऑप्शन ट्रू हो सकता है, तो वही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। थैंक यू।